नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपनी समस्याएं, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, इन सभी के नोट्स आप प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कराए हैं। आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का अंत कभी नहीं होता, चाहे वो व्यक्ति जो है मतलब सफल हो या बेरोजगार हो। मैं सफल हूँ क्योंकि मैंने पूरी तन्मयता से एक्यूरेट जो है मतलब मैंने पढ़ाई की है। मैंने भी बहुत ही बेरोजगारी के दंश झेले हैं और मैं जानता हूँ कि एक बेरोजगार इंसान किन किन मनस्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरता है और उसकी मनस्थिति क्या होती है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। आज मुझे 3 साल सर्विस करते हो गया। इन 3 सालों में मैंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है और लगभग मैंने 16 साल तक मैंने तैयारी की और उस तैयारियों में कई इंटरव्यूज दिए, कई बार जो है मतलब फर्स्ट राउंड से भी बाहर हुआ हूँ, पीसीएस के भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि वो सारी परिस्थितियाँ जो है मतलब सामने आती हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, एक्यूरेट आप पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस मटेरियल को टच करना है, किसे बिल्कुल नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें गुरु बिन होए न ज्ञान। जब तक गुरु नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होगा। पढ़ाई हर कोई करता है, हर कंपटीशन में पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जब तक ये किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब तक ये चीजें आपको पता नहीं होंगी, आप कितनी भी टेक्स्ट बुक लेकर के मार्केट से आप रट डालो, कितने भी मतलब जो है कालिदास, बाण भट्ट और जो है मतलब महर्षि वाल्मीकि बन जाओ, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो लोग तो चलो ठीक है, तुलसीदास वगैरह जो है नित्य नित्य चंदन नित्य नित्य पानी है ना, तो वो सारी चीजें उनके समय की जो चीजें थी वो तो आज एक महान व्यक्तित्व बन करके आज भी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आपको जो अगर सर्विस चाहिए, आपको अगर नौकरी चाहिए, तो आपको एक्यूरेट पढ़ाई करनी है। क्या मैटर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी किताबें हमें टच करनी है, कौन सी किताबें हमें नहीं टच करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, गाइड जो होती है, गाइड जो मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार की गाइड मिल जाती है, प्रैक्टिस सेट के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये सारी चीजें आपको सफलता कभी नहीं दिला सकती। गाइड कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकती। गाइड से आपको मुश्किल से मुश्किल 10-15 क्वेश्चन भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपको वास्तव में सफलता चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक से बने हुए स्टडी मटेरियल को ही टच करें। आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं और ऐसा नोट्स जो कि मतलब टेक्स्ट बुक से बनाया गया हो, जिसमें मतलब पृष्ठ वाइज आपको जो है आंसर का प्रूफ दिया गया हो, इन सारी चीजों को आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो सहमत हो, सकता है कि कुछ लोग हमारी बातों से असहमत भी हो, कोई बात नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप थोड़ा सा आपसे लोगों से बात करने की इच्छा कर दी, इस वजह से इतनी देर तक मैं आपसे बात करता रहा। देखिए, सबसे बड़ी चीजें मतलब निकल करके सामने से आ रही हैं और आज एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वो वास्तव में उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं और उनका माना जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना जाना नाम है उनका। सिराथू से हमारे प्रत्याशी राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आज उनके आवास पर गए थे हम लोग, उनसे मुलाकात हुई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रखर हिंदुत्व व्यक्तित्व और बात करने की कुशलता, अभ्यर्थियों की पीड़ाओं को समझने की कुशलता, एलटी ग्रेड कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में उनसे मुलाकात करने गए थे हम लोग और जो है मतलब सारी चीजें स्पष्ट की गई, उनसे बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने 45 मिनट का टाइम दिया बैठाल करके, दही चूड़ा
और जो मतलब लस्सी उस्सी पिलाई उन्होंने, तो एक महान व्यक्तित्व है उनका। और जो मतलब उन्होंने समस्त बातों को सुना। हमने एल्टी ग्रेड कला विषय के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो बातें उनसे कहीं, जो पीड़ाएं उन्होंने बताई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्दी ही उनके इस समस्या का समाधान वो किया जाएगा और उन्हें नियुक्ति जो है बहुत जल्दी ही प्रदान की जाएगी। होली के पहले पहले नियुक्तियां उन्हें मिल जाएंगी। हमने सभी मुद्दों को उनके सम्मुख रखा है, आपके एलटी जीआईसी के विज्ञापन को लेकर के भी, सुपर टेट के विज्ञापन को लेकर के भी, और एडेड जूनियर के जिला आवंटन सूची आदि को लेकर के भी, इन समस्त विषयों पर हमने उनसे विस्तृत बात की और उनका सार्थक और सत्य तरीके से जो मतलब जवाब रहा, आपके एलटी ग्रेड के चाहे विज्ञापन की बात हो चाहे टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन की बात हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिन भी विद्यार्थियों की समस्याएं, क्या कि हमारे मतलब संज्ञान में ये सारी चीजें आ गई हैं, हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे और चुनाव समाप्त तो होने के बाद एलटी के विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी मिलेंगी। आप लोगों का विज्ञापन के लिए अध्याचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जा चुका है और हमारे सामने ही उन्होंने जो है मतलब अंजना मैम से बात भी की, शिक्षा निदेशालय में बात की, और सारी परिस्थितियां जो है उन्होंने स्पीकर मोड पे फोन डाल करके जो है वह स्पष्ट कर दिया। वहां से पूरे तरीके से क्लेरिफिकेशन हो चुका है और अभ्यर्थियों की फाइलें, जो एलटी ग्रेड के चयनित विद्यार्थी हैं उनकी फाइलें जो है वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुकी हैं, जिनके संबंध में लगभग मेरे ख्याल से 103 विद्यार्थी हैं जिनकी नियुक्तियां लटकी हुई हैं और अभी तक जो है 75 विद्यार्थियों की फाइलें लोक सेवा आयोग पहुंची हैं नियुक्ति के लिए। तो बहुत जल्दी ही आप लोगों की नियुक्तियां मिलने वाली हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो मुहिम है वो मुहिम तभी समाप्त होगा जबकि हम आप लोगों को नियुक्तियां प्रदान करवा दें, और इस चीज के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं और जो है लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक आप लोगों की नियुक्तियां नहीं हो जाती। उसके संबंध में आपके विज्ञापन के लिए जब हमने सुपर टेट की बात की कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है विद्यार्थी बहुत आशान्वित है लेकिन चुनाव के पहले विज्ञापन जारी नहीं हो पाया, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि 68,569 शिक्षक भर्ती करने के बाद जो हमारे पास पद रिक्त हैं, जो कमेटी की हमारे पास रिपोर्ट आई है उस पर हम चुनाव बाद जो मतलब भर्ती करने के मूड में थे और ये चीजें थी, मतलब हमने कहा सर विज्ञापन तो जारी कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अभी जो समायोजन आदि का मुद्दा चल रहा है, 22,500 सीटें हमारी रिक्त रह गई थी और ये सारी चीजें होने के बाद जो सीटें हमारे पास रिक्त रह गई हैं लगभग 60-70 हज़ार सीटें हमारे पास, 80 हज़ार सीटें रिक्त हो रही हैं, उन समस्त सीटों पर हम जो है मतलब विज्ञापन निकालेंगे और टेट का रिजल्ट फाइनल होने के बाद, क्योंकि टेट डिले हो गया नहीं तो ये विज्ञापन आ गया होता, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। और टेट का रिजल्ट आने के बाद आपका सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, ये बात का स्पष्टीकरण उनसे प्राप्त हुआ है। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी उन्होंने अध्यक्ष महोदय से डायरेक्ट फोनिक टेलीफोनिक वार्ता की है और समायोजन आदि के मुद्दे के विषय में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि नए विज्ञापन पर कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम नया विज्ञापन जो है वो जारी करेंगे और अप्रैल मई तक जून तक जो हम जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी करके भी उन सभी के चीजों का एग्जाम भी करा लेंगे। तो गिने चुने आप लोगों के पास 2-4 महीने का वक्त है, यदि आप इसमें तैयारी करके एक सीट अपनी सुनिश्चित कर पाए तो आपका अहो सौभाग्य। आप जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से, एक बेहतरीन अनुभव रहा उनके साथ और सारी चीजों के पॉजिटिव हमें आंसर मिले। एडेड जूनियर के लिए भी 28 तारीख तक जो है मतलब मीटिंग होने वाली है एससीईआरटी में और इन सारे मुद्दों को लेकर के सारी चीजें क्लियरिफाई हो जाएंगी। 28 तारीख तक आप लोग वेट करिए, जो है आप लोगों का एडेड जूनियर का जिला आवंटन सूची 1,895 पदों पर जारी होगा, पद बढ़ाए नहीं गए हैं, नए विज्ञापन में 6,500 पद आपके आ रहे हैं नए चीजों के लिए। और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो जिला आवंटन सूची जारी होगी वह पुराने विज्ञापन पे ही जारी होगी, जो नए पद आए हैं हमारे पास उन समस्त पदों को नए विज्ञापन के तहत लाया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरी तन्मयता से तैयारी करते रहें। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से। आज एक बार मैं उन महान शख्सियत को जो कि इतने लंबे समय तक
वक्त दिए, अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुना और उन्होंने जो है मतलब तत्काल कार्रवाई करते हुए बातचीत की और सार्थक तरीके से आश्वासन दिया उन्होंने कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी। मैं आपको आशान्वित करना चाहता हूँ, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपकी इन समस्त समस्याओं का समाधान निराकरण होने चल रहा है, विज्ञापन आदि आने चल रहे हैं। आप लोग तैयारी करते रहे, जुड़ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि यह चैनल आपकी समस्याओं के समाधान का चैनल है। यह चैनल निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला और आप सभी की परेशानियों को दूर करने वाला चैनल है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।